एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शोभा. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एचआर ऑपरेशंस, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एचआर ऑपरेशन, डेली और डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एचआर ऑपरेशंस. तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर नोटिफिकेशन. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एचआर ऑपरेशन के मोस्ट ऑफ द रोल्स बहुत कॉमन है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है. तो उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना. तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. एचआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एचआर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, स्टाफ को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयज की ग्रीवियंसेस को सॉल्व करता है टू मेंटेन द वर्क कल्चर. तो चलिए देखते हैं कि एचआर ऑपरेशंस के डे टू डे टास्क क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या होते हैं. नंबर वन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एचआर कैंडिडेट्स रिक्रूट करते हैं थ्रू डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, जैसे कि नौकरी, मॉन्स्टर एंड अदर जॉब पोर्टल्स. कैंडिडेट के सीवी स्क्रीन करते हैं, सोर्स करते हैं, कैंडिडेट से कम्युनिकेट करते हैं, उनके इंटरव्यूज लाइंड अप करते हैं, सैलरी निगोशिएट करते हैं एंड पोजिशन क्लोज करते हैं. सेकेंड, इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में एचआर न्यू जॉइनी का वेलकम करते हैं, वेलकम किट देते हैं, उसे लेटर्स असाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंपनीज की पॉलिसी समझाते हैं, बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो बताते हैं, उसका डेस्क असाइन करते हैं, उसे मटीरियल्स देते हैं, जैसे कि लैपटॉप, पीसी, टेलीफोन, जो भी रिक्वायर्ड होता है वो उसे असाइन करते हैं एंड उसके एक्सेस क्रिएट करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं. थर्ड, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स. एचआर एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि न्यू जॉइनी है तो उसका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके लास्ट कंपनी के लीविंग लेटर होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, सैलरी स्लिप होते हैं, उसके आईडी प्रूफ्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, उसके एड्रेस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और उसे जो लेटर दिया उसका कॉपी रखा जाता है, और भी बहुत सारे जो उससे फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं वो सारे उसके डॉक्यूमेंट में मेंटेन किए जाते हैं. अगर करंट एम्प्लॉय है तो उसका कन्फर्मेशन लेटर होता है, अप्रेजल लेटर्स होते हैं, या उसका प्रमोशन लेटर होता है, ऐसे कोई भी लेटर्स होते हैं तो करंट एम्प्लॉय की फाइल में अपडेट किए जाते हैं. और एक्स एम्प्लॉय है जिसने कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, जैसे कि उसका रेजिग्नेशन मेल, हैंडओवर मेल, देन उसका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर्स के कॉपीज होते हैं, उसके एफएनएफ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फाइल में मेंटेन किए जाते हैं, उसे जो भी मटेरियल्स दिए थे जैसे कि आई कार्ड होता है या फोन होता है, ऐसे कुछ भी दिया तो उसे वो कलेक्ट किए जाते हैं. ये सारे फॉर्म्स होते हैं, एग्जिट फॉर्म होता है, एग्जिट फॉर्म में इंटरव्यू फॉर्म होता है, वो सारे फॉर्म्स फिलअप करवाए जाते हैं, उसे इंटरव्यू लिए जाते हैं एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन किए जाते हैं एम्प्लॉयज की फाइल में. फोर्थ, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. इस प्रोसेस में एचआर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं एंड अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें चेंजेस से भी ज्यादा न्यू पॉलिसीज बनाते हैं. पॉलिसीज जैसे कि वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, लंच ब्रेक क्या होना चाहिए, हरासमेंट पॉलिसीज होती है, टर्मिनेशन पॉलिसीज होती है, देन अप्रेजल पॉलिसीज होती है एंड ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज जो है एचआर फ्रेम करते हैं. एचआर का बहुत सारा समय पेपर वर्क में चला जाता है, जैसे कि डिफरेंट लेटर्स प्रिपेयर करना, फॉर्म्स प्रिपेयर करना, फॉर्म फिल करवाना, रिटर्न फाइल्स करवाना और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना. ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एचआर के पास नहीं होते हैं एंड वो डॉक्यूमेंट्स एचआर को डाउनलोड करने पड़ते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर पीडीएफ से उसे एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेटर्स यूज किए जाते हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लेबर लॉ एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लिए लाए है जागरूक एचआर किट. एचआर किट में आपको 1700 प्लस इंपॉर्टेंट एंड अलग अलग फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, टैम्पलेट्स एंड लेटर मिल जाएंगे, वो भी रेडी टू फिल फॉर्मेट, एक्सेल एंड वर्ड फॉर्मेट में. ये टैम्पलेट्स, लेटर, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय के ऑनबोर्डिंग से लेकर एम्प्लॉय के एग्जिट प्रोसेस तक काम आते हैं. तो अगर आप एचआर हो, अकाउंटेंट हो या बिजनेस ओनर हो या स्टार्टअप फाउंडर है तो LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं जागरूक एचआर किट सिर्फ 490 रुपीज में. तो आज ही कोर्स को एनरोल करने के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो शोभा10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एचआर मेक श्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए एंड एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए.
6th एम्प्लॉय ग्रीवियंस, अगर किसी एम्प्लॉय को एचआर को कंप्लेन करना है अपने टीम मेंबर्स के लिए, या टीम मैनेजर से रिलेटेड कोई कंप्लेन करना है, या बॉस से रिलेटेड कोई कंप्लेन करना है, या कोई भी ऐसे इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम्स है जो कि उसे एचआर को बताना है, तो पहले एचआर को बताते हैं। जैसे कि सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस होता है, या डिस्क्रिमिनेशन होता है, नेपोटिज्म होता है, या कोई पॉलिसी से रिलेटेड अगर किसी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम है तो वो भी होता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंप्लेन्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज एचआर के साथ शेयर करते हैं, एंड एचआर उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हैं। 7th अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसेसिंग। सैलरी प्रोसेस करने के पहले एचआर अटेंडेंस कैलकुलेट करता है एम्प्लॉयज के बेस्ड ऑन द लेट मार्क, बेस्ड ऑन द लीव्स एंड हॉलीडेज। फिर एक प्रॉपर शीट बनाई जाती है, दैट इज अटेंडेंस शीट होती है, एंड उस शीट के बेस पे पेरोलिंग पेरोल प्रोसेस किया जाता है, सैलरी कैलकुलेट किया जाता है, उसमें नेसेसरी डिडक्शंस किए जाते हैं जैसे पीएफ, पीटी, ईएसआईसी और मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शंस और भी ऐसे अदर डिडक्शंस होते हैं, और फिर सैलरी प्रोसेस की जाती है एंड सैलरी स्लिप एम्प्लॉयज को शेयर की जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एचआर ऑपरेशंस का। 8th परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एचआर एम्प्लॉयज की सैलरी रिवाइज करते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक जो कि सीनियर्स ने दिया है, टीम मेंबर्स ने दिया है कि पूरे ईयर एम्प्लॉय ने कितना काम किया और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस बेस पे एम्प्लॉय की सैलरी रिवाइज होती है। इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जैसे कि 1-to-1 सेशन होता है, देन सीनियर्स के साथ सेशन होता है, एचआर के साथ सेशन होता है, एंड सारे सेशन करने के बाद बेस्ड ऑन द रिमार्क और बेस्ड ऑन द ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी रिवाइज होती है। 9th कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन में एम्प्लॉयज की सैलरी प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है, उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिया जाता है कि बेसिक कितना होना चाहिए, एचआरए कितना होना चाहिए, डीए कितना होना चाहिए और क्या डिडक्शंस होने चाहिए। प्रॉपर उसकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है एंड डिडक्ट किए जाते हैं, नेसेसरी डिडक्शंस जो है डिडक्ट किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स देना है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है या कोई ट्रैवलिंग इंश्योरेंस हो जाता है, एलटीए हो जाता है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है मेंशन करते हैं। 10th एग्जिट प्रोसेस। एग्जिट प्रोसेस में अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके जा रहा है तो उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि उसका रेजिग्नेशन मेल एक्सेप्ट करना, देन उसका हैंडओवर प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करना, देन उसे रिलीविंग लेटर देना, एक्सपीरियंस लेटर देना, उसके सारे ड्यूज क्लियर करना, एफएनएफ लेटर पे साइन लेना, उससे सारे किट लेना जो मटेरियल्स उसे दिए हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि सेलफोन होता है, आईडी कार्ड होता है और भी ऐसे कोई मटेरियल्स है तो उससे लेना। एंड देन इफ पॉसिबल बहुत सारी कंपनीज फेयरवेल पार्टी भी करती है, तो अगर फेयरवेल पार्टी देनी है तो फेयरवेल पार्टी करना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं जो कि एचआर ऑपरेशंस को या एचआर को परफॉर्म करने होते हैं। सो ये है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर ऑपरेशंस। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द डिटेल वीडियो ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपके कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।